हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर चैनल तो कैसे हैं आप आप सब लोग आई होप कि सभी अच्छे होंगे तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा इजी और डिलीशियस रेसिपी जो कि है मस्त मेलन कुल्फी यानी कि आज हम खरबूजे की कुल्फी बनाने वाले हैं एकदम दानेदार बाहर की तरह मार्केट स्टाइल कुल्फी होने वाली है तो आज कुछ नया होने वाला है तो चलिए देखते हैं एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल कुल्फी कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे तीन कप दूध अराउंड आधा लीटर में यहाँ पर दूध का इस्तेमाल हुआ है इसको हमें बॉईल करना है जब तक ये बॉईल होगा तब तक हम इसे बीच बीच में चलाते रहना है चलाते चलाते हम इसको बॉईल करेंगे बॉईल एक बॉईल आएगा तब हम गैस को मंदी करके थोड़ा सा दूध हम अलग से निकालेंगे ये गरम दूध नहीं अलग से मैंने यहाँ पर ठंडा दूध का इस्तेमाल किया है उसके अंदर करीब एक से दो चम्मच हम यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर डालेंगे उसके बाद दो से तीन बड़े चम्मच यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल रही हूँ इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसलिए हम यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको हमें दोनों को अच्छे से मिक्स करना है ध्यान रहे कि एक भी लम्ब ना हो लम्ब फ्री मिक्सर हम बनाकर तैयार करेंगे और इसको दूध में डालना है चलाते चलाते डालना है ताकि लम्स ना पड़े चलाते चलाते हम इसको दूध में डालेंगे और इसको अच्छे से थोड़ी देर हमें स्टर करना है इसके बाद जाने वाला है हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कंडेंस मिल्क ये हमारी कुल्फी के टेस्ट को और डबल कर देगा और एकदम मलाईदार कुल्फी हमारी बनकर तैयार होगी तो यहाँ पर करीब एक से दो चम्मच कंडेंस मिल्क डालेंगे आधा चम्मच हम यहाँ पर इलायची पाउडर डाल रहे हैं दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसको लगभग पाँच से सात मिनट हम पकाएंगे जब तक ये पकता है इतने हम अपनी दूसरी चीज़ को तैयार कर लेते हैं इसके बाद हमें चाहिए होगा एक खरबूजा जिसमें से हमें जरूरत पड़ने वाली है करीब आधे खरबूजे की आप एक खरबूजा भी डाल सकते हैं क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिया है आधा खरबूजा इसको हम छील लेंगे और ध्यान रहे हमें इसके बीज को फेंकना नहीं है वन फोर्थ खरबूजे के यहाँ पर मैं बीज का इस्तेमाल करूंगी आगे आप देखते रहिए तो हमें इन बीजों को फेंकना नहीं है जितना मैंने अभी इस टाइम खरबूजा हाथ में पकड़ा हुआ है उसी के बीज में हमारे काम आने वाले हैं छीलकर हम इसको चॉप कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको काटेंगे जार में मैं यहाँ पर डायरेक्टली काट रही हूँ उसके बाद जो वन फोर्थ वाला हमने बीज रखे थे वो भी हम साथ में इसी जार में डाल देंगे कोई धोना नहीं है काटना नहीं है डायरेक्ट हम इसको डाल देंगे आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि इसके बज हमारे मुंह में छिलके इसके चुभेंगे नहीं क्या जी नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा इससे हमारा कुल्फी का टेस्ट बढ़ जाएगा और इसको हम छानेंगे तो जो बीज के छिलके हैं वो पिस्ते नहीं हैं इसलिए सब छन जाएगा और जो हमारा पल्प है वो हमें मिल जाएगा प्योरी और सारे बीज के छिलके इसी में रह जाएंगे मेक श्योर sure आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा तो हमारे सारे छिलके आप देख सकते हैं ऊपर रह गए हैं और हमारी ये प्यूरी हमें एकदम साफ तरह से मिल गई है मतलब कोई छिलका नहीं है इसमें इसको हम पैन में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है तो हमें इसका पानी पका देना है और यहाँ पर हम करीब वन फोर कप शुगर का कर इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे से कुक करेंगे जब तक इसका सारा पानी ख़त्म नहीं हो जाता और जितने भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा इस तरह से झाग आ रहे हैं हम इन्हें हटाते रहेंगे ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत जो भी हमें ज़्यादा ज़्यादा लग रहे हैं उनको हम हटा देंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए हम पकाएंगे। उसमें मैं यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ आपके लिए ऑप्शनल है अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं धीरे धीरे इसका सारा पानी खत्म हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से पैन से अलग होने लगेगा तो दैट मीन्स अब हमारा अच्छे से पक गया है इसको हमें अच्छे से चलाते हुए पकाना है आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऊपर ऊपर हो रहा है और ये अलग हो रहा है पैन से हमारी ये प्योरी अच्छे से बनकर हो गई है तैयार जो हम ये दूध पका रहे थे इसको बीच बीच में चलाते हुए ही पकाना है याद रहे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा इसको हम अच्छे से चलाएंगे और साइड से हम इसको स्क्रैच करते हुए चलाएंगे क्योंकि जो भी थोड़ी थोड़ी मलाई है वो हम स्क्रैच करते हुए चलाएंगे इसको अच्छे से उसके बाद करीब भी पाँच से सात मिनट मैंने इसको पकाया था उसके बाद हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेड क्रम्स का अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप ब्रेड को पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे पास भी नहीं थे मैंने लगभग तीन ब्रेड को पीसा है उसके बाद इसको इसमें डाल दिया उसके बाद जो हमने ये अपना मिक्सचर तैयार किया था मेलन वाला वो डाल देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे दोनों चीज़ को हम डालकर अच्छे से इसको मिलाना है आप धीरे धीरे देखेंगे दो मिनट के अंदर अंदर हमारी ये जो टेक्स्चर है इसका बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और थिक होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ब्रेड गर्म से थोड़ा सा ना रबड़ी वाला जो टेक्स्चर है वो जल्दी आ जाता है और टेस्ट भी आपको एकदम वही लगेगा इसमें से मैंने यहाँ पर ना आधे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है आधे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे ड्राई फ्रूट्स डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हमें इसको बीच बीच में चलाते ही रहना है गैस को हमें मंदा ही रखना है और करीब मैंने यहाँ पर इसको आठ मिनट पकाया है आठ मिनट पकाने के बाद मैंने गैस को कर दिया ऑफ अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर कितना क्रीमी और यार एकदम मलाईदार दानेदार बनकर तैयार हुआ है अब ये जब ठंडा हो गया है तो अब हम इसको करेंगे ग्राइंड इस सारे मिक्सचर को हमें ग्राइंड करना है अगर आप इस तरह से कुल्फी बनाएंगे ना एकदम बाहर वाला टेस्ट आएगा आप एक बार जरूर से ट्राई करके देखना आपको एकदम बाहर वाला टेस्ट ही आएगा और छोटी छोटी बातों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है ये हमारा ग्राइंड हो गया है जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचाए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे मैं वीडियो में दिखाना भूल गई उसके बाद मैंने यहाँ पर डालिया है मोल्ड में आप किसी भी तरह का मोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपके पास कुल्फी वाला मोल्ड है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं इसको हम थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि हमारा सारा मिक्सचर सेटल हो जाए फॉइल पेपर से हम इसको कवर करेंगे ताकि हमारे स्टिक्स जो है हम प्रॉपर्ली ठीक से लग जाएं इसमें और इसके अंदर कुछ गिरे भी ना इसलिए थोड़ा सा हम पहले नाइफ से कट लगाएंगे उसके बाद अपनी आइसक्रीम स्टिक्स को इसके अंदर इंसर्ट कर दें सभी को हम प्रॉपरली अच्छे से लगा देंगे उसके बाद हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे ओवरनाइट के लिए ओवरनाइट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको ओवरनाइट रखने के बाद जब आप इसको फ्रिजर में से निकालेंगे तो मेक बेक्श्योर थोड़ी देर पहले इसको पानी में रख लेना थोड़ी देर बाहर जिससे आपकी ये अच्छे से निकल जाए नहीं तो मेरे साथ क्या होता है एक बार इसकी स्टिक अलग और कुल्फी अलग रह गई थी तो जब आप इसको थोड़े देर पानी में रखेंगे तो ईजिली रिमूव हो जाएगी और आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट टेक्स्चर के साथ हमारी कुल्फी बनकर हुई है तैयार एकदम दानेदार बनकर हुई है तैयार मार्केट स्टाइल बाहर की तरह जैसे मिलती है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी कुल्फी भी एकदम बाहर जैसी मिलेगी थोड़ी सी ड्राई फ्रूट हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना थैंक्स फॉर वॉचिंग